सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रॉन एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मार्केटिंग हेड था। अच्छी सैलरी होने के साथ साथ उसकी जॉब में काफी ट्रैवल भी करना पड़ता था। अपने खुद के घर से ज्यादा तो वो होटल्स में रहता था। ऐसी ही एक रात वो अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग से अपने होम टाउन वापस लौट रहा था। मौसम काफी खराब था और रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। रॉन के ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना मानो इम्पॉसिबल सा हो गया था। इतनी तेज बारिश में ड्राइवर को कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा था। कुछ समझ न आने पर रॉन ने ड्राइवर को बोलकर गाड़ी एक होटल के सामने रुकवा दी। वो होटल बहुत पुराना सा लग रहा था, पर उस हाईवे पर वो एक लौता होटल था। रॉन ने ज्यादा ओवरथिंक नहीं किया और होटल के अंदर चला गया। वो सोच रहा था कि वो आज की रात उस होटल में रुक जाएगा और सुबह जब बारिश रुकेगी तो वो अपने घर वापस लौट जाएगा। होटल में एंटर करते ही रॉन को रिसेप्शन पर एक लड़की दिखी। वो थोड़ी अजीब सी दिख रही थी, जैसे कई रातों से सोई नहीं हो, पर रॉन ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बहुत थका हुआ था और बस रूम में जाकर सोना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से जाकर रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की से होटल रूम की रिक्वेस्ट की। उस लड़की ने रॉन का आइडेंटिटी प्रूफ लेकर उसे रूम नंबर 303 की चाबी पकड़ा दी। वो होटल में लगी लिफ्ट की ओर गया और बटन दबाकर लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगा। लिफ्ट के आते ही रॉन ने उसमें घुसकर थर्ड फ्लोर का बटन प्रेस किया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे वो रुक कर दोबारा खुले, जैसे मानो किसी ने बाहर से अपना हाथ लिफ्ट रोकने के लिए अटकाया हो। रॉन को ये चीज बहुत अजीब लगी, पर लिफ्ट की खस्ता हालत देखकर उसने इसे इग्नोर करना बेहतर समझा और डोर क्लोज के बटन को प्रेस कर दिया। लिफ्ट बंद होने के बाद ऊपर की तरफ जाने लगी, तभी रॉन की नजर लिफ्ट के फ्लोर बटन्स पर पड़ी। उसकी नजरों के सामने ही थर्ड फ्लोर वाले बटन पर जल रही लाइट एकदम से बंद हो गई और फिफ्थ फ्लोर के बटन की लाइट अपने आप जल गई। ये देखकर रॉन थोड़ा सहम गया और उसने तेजी से थर्ड फ्लोर के बटन को बार बार दबाना शुरू कर दिया, पर लिफ्ट का कोई भी बटन अब काम नहीं कर रहा था। रॉन को बहुत अजीब लग रहा था और बटन्स को प्रेस करने की कश्मकश में रॉन को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा उसकी गर्दन के पास सांसें ले रहा है। रॉन तुरंत पीछे पलटा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। रॉन को अब घबराहट होने लगी थी। लिफ्ट फोर्थ फ्लोर तक पहुंच गई थी। रॉन का दिल मानो उसके शरीर से बाहर धड़क रहा था कि उसी समय लिफ्ट के अंदर जल रही एक छोटी लाइट भी बंद हो गई। लिफ्ट वहीं रुक गई और रॉन लिफ्ट के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। हेल्प, हेल्प मी, कोई है, समबडी प्लीज हेल्प। वो जोर जोर से चिल्ला ही रहा था कि अचानक अंधेरे में रॉन के मुंह पर एक हाथ आ गया, जिससे उसकी आवाज निकलनी बंद हो गई और उसके दाहिने कान में जोर से एक आवाज आई। अब रॉन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो होश खोने लगा था, पर कुछ ही सेकंड्स में लाइट वापस आ गई। अब भी लिफ्ट में अपने अलावा रॉन को कोई और नहीं दिख रहा था, पर उसे यकीन था कि उस लिफ्ट में उसके साथ कोई तो जरूर है। इतने लिफ्ट फिफ्थ फ्लोर पर जाकर रुकी
और उसके दरवाजे खुले। लिफ्ट के खुलते ही रॉन सीढ़ियों की तरफ भागा। रॉन अब इतना घबरा चुका था कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सीढ़ियों पर भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। सीढ़ियों से नीचे भागते भागते उसके कानों में किसी आदमी के हंसने की आवाज गूंज रही थी। जैसे तैसे करके रॉन रिसेप्शन तक पहुंचा और हाफते हुए रिसेप्शन वाली लड़की से कहने लगा, लिफ्ट लिफ्ट फिफ्थ फ्लोर, वो आदमी, वो। रिसेप्शनिस्ट ने रॉन को पानी दिया और फिर रॉन ने रिसेप्शनिस्ट को अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। उसके बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने रॉन को कुछ ऐसा कहा जिससे रॉन के होश उड़ गए। उसने कहा, सर फिफ्थ फ्लोर, हमारे होटल में तो सिर्फ 4 ही फ्लोर्स हैं। ये सुनकर रॉन कुछ सेकंड्स के लिए सुन्न पड़ गया। अपने साथ हुई घटना को वो बयां ही नहीं कर पा रहा था। रॉन घबराहट में उस होटल से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। उसका ड्राइवर वहीं गाड़ी के अंदर लेटा हुआ था। उसने ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने को बोला और ड्राइवर ने भी उसकी हालत देखकर तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और उस होटल से निकलने लगा। होटल से निकलते हुए रॉन ने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे होटल की एंट्री पर खड़ी वो रिसेप्शनिस्ट दिखी और उसी के पीछे खड़ा एक बड़ा सा काला साया था जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद से रॉन को लिफ्ट में जाने से डर लगने लगा। वो फिर कभी अकेले लिफ्ट में नहीं जाता, ना ही वो अब कभी देर रात में ट्रैवल करता है। उसे कभी कभी सपने आते हैं कि वो एक लिफ्ट के अंदर है और वो लिफ्ट उसे एक ऐसी जगह ले जा रही है जो असलियत में है ही नहीं और जहां वो हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगा। क्या आपको अकेले लिफ्ट्स में जाने से डर लगता है? और क्या आपको लिफ्ट रिचुअल यानी एलिवेटर गेम के बारे में पता है जिससे दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है? नहीं पता तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और देखिए हमारी वीडियो ऑन एलिवेटर गेम, जिसमें हमने डिटेल में इस गेम के बारे में बताया है कि कैसे लिफ्ट रिचुअल को फॉलो करके आप दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल कूनी मंडे सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हर हफ्ते एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।